प्रथम तहलका न्यूज और रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जी। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल इनेलो नेता अभय चौटाला जो है वो ट्रैक्टर चलाकर अपने समर्थकों के साथ रोहतक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कलावर में किसान आंदोलन के दौरान चल रहे भंडारे पर रुककर उन्होंने खाना खाया। इस दौरान आपको बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में टिकरी बॉर्डर पर जा रहे हैं इनेलो नेता अभय चौटाला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है, जहां इनेलो नेता अभय चौटाला ट्रैक्टर चलाकर जो है वो समर्थकों के साथ रोहतक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान अभय चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है। और रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जी। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल इनेलो नेता अभय चौटाला जो है वो ट्रैक्टर चलाकर अपने समर्थकों के साथ रोहतक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कलावर में किसान आंदोलन के दौरान चल रहे भंडारे पर रुककर उन्होंने खाना खाया। इस दौरान आपको बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में टिकरी बॉर्डर पर जा रहे हैं इनेलो नेता अभय चौटाला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है, जहां इनेलो नेता अभय चौटाला ट्रैक्टर चलाकर जो है वो समर्थकों के साथ रोहतक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान अभय चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है। और इस दौरान अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा सुनिए। पहली बार नहीं जा रहा, मैं इससे पहले शंभू बॉर्डर पे भी गया हूँ, टीकरी के बॉर्डर पे भी गया हूँ, पलवल भी बॉर्डर पे जाकर के आया हूँ, और गुड़गांव में जो धरना चल रहा था उसमें भी जाकर के, पानीपत के धरने पे भी गया, गनौर के धरने पे भी गया। जहाँ जहाँ किसानों के धरने लगे हैं मैं वहाँ सब जगह होकर के आया हूँ। आज तो हमारे सरसा जिला के किसार, फतेहबाद, सरसा, रोहतक, झज्जर, इन जिलों के कार्यकर्ताओं ने एक फैसला लिया था कि हम हजारों की संख्या में जाकर के अपना समर्थन दे करके आएंगे। हमारा समर्थन जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन से आंदोलन जो चला रहे हैं, हमने उनको उसी दिन लिखित रूप में अपना समर्थन भेज दिया था। और हमारे हजारों कार्यकर्ता जो है वो वॉलेंटियर के रूप में लगातार इस धरने में जो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपके मध्य प्रदेश, यहाँ के जो किसान आए हुए हैं उनके साथ लगातार उनकी सेवाओं में लगे हुए हैं। जो जिम्मेवारी उनकी वहाँ कोई भी साथी हमारा लगाता है वो उस जिम्मेवारी को बड़ी बेखूबी के साथ निभा रहे हैं। आज भी मेरे साथ जो हजारों लोग जा रहे हैं ये लगातार वहीं रह करके जहाँ इस किसान आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करेंगे, वहीं जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी वॉलंटियर के रूप में सेवा भी करेंगे। हम तब तक लगातार इस आंदोलन का हिस्सा बन करके रहेंगे। हमारी पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, और चौधरी देवीलाल ने सदैव किसान की, कमेरे की, गरीब आदमी, जब किसी ने भी अनदेखी करी उन्होंने हमेशा उस लड़ाई में, चाहे वो किसी भी पद पे थे, उस पद को छोड़ करके आकर के लोगों की उस लड़ाई का हिस्सा बन के उनके साथ न्याय कराने का काम किया। आज तो किसान की लड़ाई है, मोदी ने किसान की पगड़ी पे हाथ डाला है, मोदी ने किसान के जो पेट जो है आज उसको कमज़ोर करने की कोशिश की, जो अन्नदाता है, जो लोगों का पेट भरता है, आज उसकी ज़मीन को छीनने का प्रयास किया। किसान जो है बहुत संवैधानिक कौम है, ये किसी भी कीमत पे अपनी बात मोदी से मनवाएंगे, और हमें भी उम्मीद है कि मोदी साहब लगातार किसान की कहीं परीक्षा ले रहे हैं। शायद मोदी ने इतिहास नहीं पढ़ा हमारे इस देश का। सन 1907 में अंग्रेजों ने भी इस किस्म से किसान के ऊपर दमनकारी नीति अपनाते हुए तीन ऐसे ही काले कानून थोपने की कोशिश करी थी। उस वक़्त तो कोई कम्युनिकेशन नहीं था, उस वक़्त केवल दो माध्यम होते थे, एक अखबार का माध्यम था और दूसरा रेडियो का था, जिससे कहीं मैसेज जाता था भी इन कम्युनिटी के साथ अनदेखी सरकार कर रही है, अंग्रेज उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उस 1907 के आंदोलन को सरदार अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से शुरू किया था। 8 महीने वो आंदोलन चला,
अंग्रेज को झुकना पड़ा, अंग्रेज को अपनी बात वापस लेनी पड़ी, कानून वापस लेने पड़े और किसान की बात को मानना पड़ा। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आज तो हम जो बात यहाँ बैठ करके कर रहे हैं अब से पहले दुनिया इसको देखना शुरू कर चुकी है। आज तो एक एक आदमी तक एक एक खबर सेकंडों के हिसाब से जा रही है। आज किसान उससे ज़्यादा जागरूक है। आज हर घर में बच्चा जो किसान का है वो पढ़ा लिखा है, उसको इस बात का पता है कि तेरे इस देश में क्या अधिकार है। इस प्रजातंत्र प्रणाली के अंदर हर आदमी को अपना अधिकार मांगना आता है, लेकिन इस देश के अंदर अधिकार मांगने से नहीं मिले, इस देश में अधिकार छीने गए हैं। हम अभी तो अधिकार मांग रहे हैं, अगर हमारे अधिकारों पे मोदी ने कहीं कोई संज्ञान नहीं लिया, कहीं मोदी साहब ने इनकी भावनाओं को समझने की कोशिश ना करी, तो फिर मान के चलो युवा अधिकार अपना छीन के रहेगा। हर हालत में मोदी को इस बात के लिए देश के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, किसान की बात को मानना पड़ेगा और कृषि के तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। बीजेपी कह रही है कि किसान नहीं है जो आंदोलन में बैठे हैं, विपक्षी जो पार्टियां हैं वो उकसा रही हैं। बीजेपी के लोगों ने कभी खेती जाकर के देखी नहीं। ये जो बीजेपी वाले आज ये कह रहे हैं, इन बीजेपी वालों से पूछो क्या सत्ता में किसकी वजह से जो 70% लोग गाँव में बसते हैं, जो केवल खेती पर निर्भर करता है, उन्हीं की वजह से आज बीजेपी सत्ता में, जो सत्ता में ला सकते हैं वो सत्ता से बाहर करना भी जानते हैं। इनको उस दिन एहसास हो जाएगा जिस दिन इस देश में चुनाव होगा, कैसे मोदी को भी इस देश की सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। किसान जो है दुष्यंत किस बीजेपी की बात करते हो तो मुझे लगता है यहाँ जो लोकल कोई बीजेपी के टटपूंछे घूम रहे हैं उनका जिक्र कर रहे होंगे। आज इस प्रदेश के अंदर सरकार नाम की चीज़ नहीं है, यहाँ लुटेरों का गिरा है, दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूट रहे हैं। आज कोई भी इस प्रदेश का मिनिस्टर, चाहे वो पिछली सरकार का था चाहे आज की मौजूदा सरकार का, हर एक मिनिस्टर के ऊपर आज भ्रष्टाचार के अनेक आरोप है। लोग सबूत के साथ उनके जो है किए हुए गलत कार्यों को गिनाने का काम करते हैं। आज तो लुटेरों का राज है, आज किसी पार्टी का राज नहीं, आज अफसरशाही हावी है। आज कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा हुआ है, जहाँ कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा है वहीं भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। सत्ता और विपक्ष में कुछ नेता किसान कहते हैं अपने आप को, अगर हम किसान पुत्र हैं, किसान हैं, उन जो लाभ के पदों पर बैठे हैं, अगर किसान की औलाद होती, अगर किसान का खून उनकी रगों में होता तो सत्ता को ठोकर मार के आज किसानों के साथ जाकर के बैठ जाते। लेकिन ये तो लालची लोग हैं, लालची नहीं इनको कुलालची कह सकते हो आप, ये तो वो लोग हैं जो सत्ता की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए चौधरी देवीलाल के नाम का सहारा लिया था, आज उनकी नीतियों को बीजेपी के गिरवी रख दिया। और आज वो लोगों की हालत यह है बेचारों की कि वो ना तो अपने घर में रोड से जा सकते, ना लोगों के बीच में जा सकते। बीजेपी का जेजेपी का कोई भी लीडर आज लोगों के बीच में जा कर के खड़ा होकर के अपना पक्ष नहीं रख सकता, अपनी बात नहीं कह सकता। पूर्व मुख्यमंत्री व उसके सपुत्र दीपेंद्र हुड्डा भी कहते हैं कि हम किसान लीडर हैं सबसे ज़्यादा और किसानों के बीच में रहते हैं। हाँ, दोनों रोज अखबारों में तो मैं देखता हूँ, लेकिन मैंने किसानों के बीच में दोनों को आज तक नहीं देखा। जाते हैं, एक टोल है आपके यहाँ रोहतक के अंदर जो मकड़ोली उस पर गए हैं, वहाँ फोटोएं खिंचाई, खबरें अखबारों में आपने छापी दिखाई उनकी कि टोल पे आ जाकर के गए। अगर किसान की औलाद है तो फिर ठीकरी बॉर्डर पे आए, शंभू के बॉर्डर पे आए, लोग अपने आप एहसास करा देंगे किसान है या ये नकली है। तो आज मीटिंग हो रही है, क्या लगता है कि फैसला हो जाएगा या आंदोलन आगे? ये सरकार जो है केवल लिंग रोन करने का काम कर रही है, मुझे नहीं लगता आज कोई फैसला होगा। लेकिन जिस तरह किसान की संख्या बढ़ रही है, मोदी को हर हालत में किसान की बात को मानना पड़ेगा। ट्रैक्टर यात्रा निकाली है, आगे किसान कह रहे हैं कि हम जो है रामलीला मैदान के अंदर जो है लाल किले पर जो है तिरंगा फहराएंगे। किसान आपकी बात, किसान को दिल्ली जाने से कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? जितना दिल्ली पे अधिकार मोदी का है उससे ज़्यादा बड़ा अधिकार हरियाणा और पंजाब का है। ये तो गुजरात से है, हम तो दिल्ली की सीमाओं पे रहते हैं, हमारा दिल्ली के अंदर खून का रिश्ता है, हमारा दिल्ली के अंदर पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते, हमें कैसे रोकेगा जाने से?